हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज एस्थेटिक्स एंड आर्ट्स एजुकेशन, जिसका अर्थ है सौंदर्य एवं कला शिक्षा। तो हम अपने आज के टॉपिक में जानेंगे कि सौंदर्य बोध क्या है एवं इसकी एजुकेशन में, स्पेशली आर्ट्स एजुकेशन में, कला शिक्षा में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि एस्थेटिक्स क्या है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो एस्थेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का अध्ययन, और फिलॉसफी ऑफ आर्ट और कला का दर्शन शास्त्र या दर्शन साहित्य। ठीक है, मींस कि हम कला के सौंदर्य से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा, या फिर किससे संबंध रखता है? एस्थेटिक्स से, सौंदर्य शिक्षा से, सौंदर्य बोध से। इसी के साथ इट एक्सप्लेन्स, एस्थेटिक्स किस चीज़ को परिभाषित करता है, किस चीज़ की व्याख्या करता है? हाउ पीपल परसीव एंड असेस, मीन्स कि सभी व्यक्ति किस तरह से जो है परसीव एंड असेस द मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड पर्पज़ ऑफ आर्ट, कला के उद्देश्य को, कला के महत्व को, कला के अर्थ को, ठीक है, इन सभी का आकलन किस तरह से करते हैं, इन सभी चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो सभी किसके अंदर आ जाता है? आपके कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स के अंदर, सौंदर्य शिक्षा के अंदर। सिंस एस्थेटिक क्वालिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, अगर देखा जाए तो जो सौंदर्यात्मक गुण है इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि परसेप्शन, किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखना, एंड इंटेलिजेंट थाट, और अपने उस प्रत्यक्षता को अपने संज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है, अपने चिंतन के साथ एसोसिएट करना। एस्थेटिक एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट, लिसनिंग टू, मूविंग इन एंड स्पीकिंग ऑफ देयर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। जो हमारी सौंदर्य शिक्षा होती है वो क्या करती है? हमारे जो दैनिक जीवन के सभी प्रकार के अनुभव हैं, हर छोटे छोटे अनुभव, ठीक है, उन सभी को एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से, जो विद्यार्थी है उनको नए दृष्टिकोण से देखने के लिए, उन सभी अनुभवों को सुनने के लिए, मूविंग इन, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु, उनके विषय में बोलने के लिए, इन सभी के लिए जो है विद्यार्थियों को, बच्चों को हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो एस्थेटिक है, ठीक है, एस्थेटिक एजुकेशन है, वो एक नए तरह के दृष्टिकोण का विकास करती है विद्यार्थियों में, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इट इज़ अ लाइक वी कैन सी जजमेंट ऑफ ब्यूटी, ठीक है, सौंदर्य को किस तरह से जज करते हैं, जज इन द सेंस कि कोई भी कला से संबंध रखने वाली वस्तु या फिर कुछ और एनीथिंग, जैसे भी हमने बात की एवरीडे एक्सपीरियंसेस, तो वो कितनी आपको कितना आनंद प्रदान करने वाली है, ठीक है, आपको कितनी अच्छी लग रही है देखने में, ठीक है, या फिर उसमें क्या कमी है, ठीक है, मीन्स अ जजमेंट करना, दैट मीन्स कि ये क्या करती है, डेवलप द न्यू वेज ऑफ या डेवलप्स न्यू एटीट्यूड। ओके, द सेल्फ स्टीम गेन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और इन अनुभवों के थ्रू जो है विद्यार्थियों को या फिर बच्चों को जो भी सेल्फ स्टीम, जो भी आत्मसम्मान प्राप्त होता है, ठीक है, वो उन्हें किसके लिए तैयार करता है? दैट टीच सेल्फ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मीन्स कि उसके द्वारा अगर वो अनुभव उनकी अपने खुद के हैं, खुद क्रिएटेड हैं, ठीक है, तो वो उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का भी सम्मान करना सिखाएगा, और अगर दूसरों के द्वारा क्रिएटेड हैं वो, ठीक है, तो वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि दूसरी बात है कि जब हम किसी कला से संबंध रखने वाली चीज़ की प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, तो इट मीन्स कि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्रिएटेड एक्टिविटी, क्रिएटेड क्राफ्ट, एनीथिंग, एनी आर्टिफैक्ट्स, जो कुछ भी अगर हमारे द्वारा क्रिएट है, ठीक है, वो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, और उसकी प्रेज हम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम खुद की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। सो वी से दैट एस्थेटिक एजुकेशन टीच सेल्फ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, एस्थेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, जैसे हमने बात की कि जो एस्थेटिक्स है, सौंदर्य बोध है, वो क्या है, एक ऐसी दर्शन शास्त्र की ऐसी ब्रांच है जो किसी संबंध रखती है, डील्स विद द नेचर ऑफ आर्ट, कला की प्रकृति से, कला के सौंदर्य से, टेस्ट, कला का किस तरह की क्या कंसेप्ट है उसका, ठीक है, क्या थीम है वो, उससे, इन सभी चीज़ों से संबंध रखती है। एंड ऑल्सो विद इन दिस द
क्रिएशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, और साथ ही साथ सौंदर्य के निर्माण से, ठीक है, और उसकी प्रशंसा से, मीन्स की जो सौंदर्य है उसे किस तरह से क्रिएट किया गया है। क्रिएट इन द सेंस, अगर हम आर्ट फॉर्म में बात करें तो ब्यूटी को आर्ट की फॉर्म में कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड किया गया है, कितने उत्तम तरीके से उसे दूसरों के सामने प्रदर्शित किया गया है। एन अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, आप समझ के होंगे, कला की प्रशंसा से। इट इज़ मोर साइंटिफिकली डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सेंसरी और सेंसरी इमोशनल वैल्यूज, और अगर हम विज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे किस तरह से डिफाइन किया गया है, स्टडी ऑफ सेंसरी इमोशनल वैल्यूज, जो हमारी संवेदी भावनात्मक मूल्य हैं, ठीक है, उनके अध्ययन से, क्योंकि हमारे संवेग जैसे महसूस करेंगे, ठीक है, हमारे इमोशंस जैसे फील करेंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है, वो सारी स्टडी किसके अंदर इंक्लूड होंगी, हमारी एसेटिक्स के अंदर। और अगर हम दूसरे शब्द में बात कहें तो समटाइम्स कॉल जजमेंट ऑफ सेंटिमेंट एंड टेस्ट, मीन्स कि आर्ट की प्रेजेंटेशन से, आर्ट में जो जिस तरह की उस आर्ट वर्क में भावनाएं छुपी हैं उन चीज़ों को इवेल्युएट करने से संबंधित भी है कहीं ना कहीं हमारा एस्थेटिक्स है। ओके, मोर ब्रॉडली स्कॉलर्स इन द फील्ड डिफाइन एस्थेटिक्स एज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट कल्चर एंड नेचर। अगर हम स्कॉलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्थेटिक्स क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट कल्चर एंड नेचर, मीन्स कि कला को किस तरह से प्रतिबिंबित किया गया है, प्रतिबिंबित इन द सेंस, अगेन वही रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कला को, कला की संस्कृति को, कला की प्रकृति को किस तरह से दूसरों के सामने दिखाया गया है, ठीक है, वो सारा हमारे किसके अंदर आ जाता है, एस्थेटिक्स के अंदर। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, आइए जानते हैं कि एस्थेटिक्स की एजुकेशन में भी मैं बात की थी या फिर आर्ट एजुकेशन में स्पेशली क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। नंबर वन, एबिलिटी टू परसीव एस्थेटिक क्वालिटीज, मीन्स कि इसका अर्थ क्या है, परसीव इन द सेंस समझना, एस्थेटिक क्वालिटी मीन्स कि सौंदर्यात्मक गुणों को किस तरह से समझना है, ठीक है, मीन्स कि जो अगर हम बच्चों की ही बात करें, ठीक है, एस्थेटिक्स को लेकर आर्ट एजुकेशन में, तो जो बच्चे हैं वो अपने आस पास के एनवायरमेंट में, ठीक है, हमारे प्रकृति से रिलेटेड कई हम आसपास बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, नेचर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी शेप्स को, उनके शेड्स को, उनकी पिक्चर्स को, ठीक है, हम फर्स्ट साइट में किस तरह से नोटिस करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनमें क्या हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ब्यूटी कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस, हम अपने आसपास की प्रकृति में बहुत सी सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से हम ग्रेस्प करते हैं, ठीक है। और कईयों में जो कई जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप्ड होती है, ठीक है, वेल डेवलप होती है हम कह सकते हैं, लेकिन कईयों में अनडेवलप भी होती है, ठीक है, क्योंकि सभी एक समान उन चीज़ों के बारे में एक जैसा नहीं समझते हैं, ठीक है, एक जैसी फीलिंग्स उनके अंदर नहीं क्रिएट होती हैं, ये समान एक समान भावना से वो चीज़ को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि अपने आसपास के वातावरण में जो सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है, ठीक है, उनको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, उनमें क्या ढूंढ रहे हैं, वो हमारा हमारा किसके अंदर आ जाता है, एबिलिटी टू परसीव एस्थेटिक क्वालिटीज़ में, ठीक है। सेकेंड है आपका एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एस्थेटिक क्वालिटीज़, इसके अंदर है आपका मीन्स कि एस्थेटिक क्वालिटीज़ जब हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है, तो समझने के बाद हमें किस तरह का अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है, एस्थेटिक क्वालिटीज़ हैव टू बी एक्सपीरियंसेस, मीन्स कि अगर हमने सौंदर्य से रिलेटेड गुणों को समझ लिया है तो हमें उस तरह से किस तरह का अनुभव प्राप्त हुआ है, इट मीन्स कि ऑल दैट जो कुछ भी हमने देखा है, हमने समझा है, दैट शुड बी इंड्यूस फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, मीन कि जो कुछ भी हमने देखा है उसके थ्रू अगर हमने समझा है उसे सही प्रकार से, ठीक है, तो वो सारी जो है कला के अनुभव वो हमारे अंदर क्या डेवलप करेंगे, एक्साइटमेंट, ठीक है, जॉय, आनंद, ऑप्टिमिज्म, एक तरह की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं
विद्यार्थियों में डेवलप होंगी, उनके अंदर एनकरेजमेंट पड़ेगी, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ उससे सीखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो ये सारा किसमें आ जाएगा, आपका एबिलिटी टू एक्सपीरियंस, मींस कि अगर हमने सिर्फ उन चीज़ों को समझा है, उनसे कुछ अनुभव प्राप्त नहीं किया है, तो वो हमारा समझना क्या है, हम कह सकते हैं कि निरर्थक है इन दैट केस, ठीक है। थर्ड वन इज़ क्रिएट कैपेबिलिटीज। इट इज़ एसेंशियल टू अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट विल डेवलप हिज और हर क्रिएटिव एबिलिटीज। मीन्स कि अगर हम एस्थेटिक वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स के अंदर भी डेवलप करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि स्टूडेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए डिफरेंट टाइप की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो आर्ट के मूल्यों को समझ पाएंगे, ठीक है, आर्ट की महत्ता को पहचान पाएंगे, ठीक है। और दिस इज़ नॉट सो मच अबाउट क्रिएटिंग एस्थेटिक एबिलिटीज़ इन द सेंस ऑफ ट्रेनिंग आर्टिस्ट, और इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग देकर जो है वो आर्ट एक्टिविटीज सिखाई जाए, ठीक है, उन्हें अपने जनरल सेंस में, ठीक है, स्वयं फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, उसका अवसर देना चाहिए, ठीक है। जब वो खुद फ्रीली कुछ क्रिएट करेंगे, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, प्रेज कर पाएंगे या फिर उसकी कमियाँ ढूंढ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं वी आर नॉट सिंपली बॉर्न विद क्रिएटिव एबिलिटीज़, क्योंकि हम में से सभी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ के साथ बॉर्न अप नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता हर किसी को होती है, ठीक है, उस चीज़ को बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, बट जो है मोस्टली जो है स्टूडेंट्स को फ्रीली, ठीक है, फ्री जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो भी वार्ड से रिलेटेड करना चाहते हैं, ठीक है। और तभी जो उनके जो अपनी प्रोडक्शन है, ठीक है, देयर ओन प्रोडक्शन, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग एस्थेटिक क्वालिटीज़। इसमें है आपका एस्थेटिक जजमेंट भी बोल सकते हैं हम, कि मीन्स की कला से संबंधित गुणों को किस तरह से जज करना है, ठीक है। इसका अर्थ है कि कोई भी जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, आर्ट से रिलेटेड जो भी कलात्मक जो भी क्रिएशंस हैं, जब तक उन्हें जज नहीं किया जाएगा, तब तक उनके बारे में बेटर रिजल्ट नहीं प्राप्त किया जा सकता, हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें उनकी ब्यूटी को, ठीक है, अगर हमने जो भी आपकी कला से संबंधित वस्तु है, ठीक है, अगर हमने उसमें जो है ब्यूटी को जज करना है, ठीक है, ब्यूटी का आकलन करना है, हम कह सकते हैं सौंदर्य का आकलन करना है, तो निश्चित ही बात है कि उसके लिए उसे जज करना आवश्यक है, ठीक है। दैट इज़ टू जज दैट इज दैट थिंग इज़ ब्यूटीफुल और नॉन ब्यूटीफुल, ठीक है, और इफ़ ब्यूटीफुल देन विद इन विच विल लिमिट, ठीक है, या फिर उसमें कहाँ क्या कमी है, हम कह सकते हैं। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन द टीचर मस्ट मास्टर वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है, और एस्थेटिक एजुकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं जो टीचर है वो स्टूडेंट्स में बहुत तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को क्रिएट करता है। किस तरह के नॉलेज? इस तरह की नॉलेज कि स्टूडेंट्स के अंदर एस्थेटिक क्वालिटीज़ डेवलप होने के साथ साथ वो दूसरों के आर्ट वर्क में भी जो है उसे भी उससे रिलेटिव उनका भी मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्थेटिक एजुकेशन इनेबल्स अ लर्नर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। इसमें आपका सिंपल है कि जो आर्ट एजुकेशन में जो सौंदर्यनात्मक शिक्षा है वो विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने हेतु योग्य बनाती है, ठीक है। वो अपने विचारों को दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ओरली और इवन इन रिटन और इवन इन आर्ट फॉर्म, ठीक है, वो सभी प्रकार से अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअल फीलिंग्स आइडियाज़, ठीक है, एंड ऑल्सो कैन डेवलप इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, मीन्स कि अपनी सोच को अपनी सृजनात्मकता को, ठीक है, अपनी अभिव्यक्तियों को फ्रीली स्वतंत्र रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट किया, हमने कहा कि सौंदर्य शिक्षा उनको ये सब चीज़ें करने के लिए फ्रीली एक्सप्रेस करने के योग्य बनाती है, तो वो इन सभी चीज़ों को फ्रीली एक्सप्रेस तभी कर सकेंगे जब उन्हें इन चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझ होगी, उस चीज़ का अनुभव होगा, ठीक है। जिसमें ऊपर वाले पॉइंट्स में बात की थी, एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस, ओनली आफ्टर दैट दे
may be able to express themselves freely. Okay. Now next one is aesthetic education is specific integration of cognition and emotion. आप समझ गए होंगे कि जो aesthetic education है वो संज्ञान एवं भावनाओं का एक विशिष्ट एकीकरण है. ठीक है, किस तरह से है ये इन दोनों का जो है एकीकरण किस तरह से है? मींस कि जब भी हम किसी आर्ट वर्क को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर उस आर्ट वर्क से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, एक तरह की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए. ठीक है, और समझ कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? हमारी कॉग्निशन से. ठीक है, और उसकी जो उस आर्ट वर्क में भावनाएं छुपी हैं तो उसे महसूस करने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए. ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशन. ठीक है, जब हम पसीह की बात करते हैं और परसेप्शन की बात करते हैं, ठीक है, ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निशन. ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करें, मीन्स की भावनात्मक जो हमारा भावनात्मक योग्यता है, ठीक है, महसूस करना. अब आप सिंपली दो पॉइंट्स को ले सकते हैं इसके अंदर, कॉग्निशन एंड इमोशन में. कॉग्निशन में आप ले सकते हैं पर्सीव एंड परसेप्शन, देखना और समझना. ठीक है, और इमोशन में उसे महसूस करना, उसे अनुभव करना. ठीक है, मीन्स कि जो हमारी एस्थेटिक एजुकेशन है वो तभी कंप्लीट हो सकती है जब इन दोनों की प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, कॉग्निशन एंड इमोशन. ठीक है, तो तभी सही प्रकार से जो है हम अपने आर्ट वर्क को जज कर सकते हैं, उसे इवेल्युएट कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि जो भी सही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दैट पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट, एस्थेटिक एजुकेशन डेवलप्स द एबिलिटी टू सी एंड फील द ब्यूटी. ये भी सिंपल है आपका कि एस्थेटिक एजुकेशन जो है सौंदर्य को देखने की और फील महसूस करने की योग्यता का विकास करती है. ये आपका सिंपल ही है. इट कंबाइंस वी कैन से माइंड एंड इमोशन, जैसे भी हमने ऊपर बात की, कॉग्निशन एंड इमोशन. ठीक है, डेवलप्स स्किल दैट लेड टू प्रॉपर परसेप्शन, एंजॉयमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क. मीन्स कि आर्ट वर्क को हम किस तरह से देखते हैं फर्स्ट टाइप में, उस तरह को उसे किस तरह से महसूस करते हैं. ठीक है, तो और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है एस्थेटिक एजुकेशन डेवलप्स द लर्नर्स एक्सप्रेसिव एबिलिटीज, उसकी जो लर्नर है उसकी अभिव्यक्त करने की जो योग्यता है उसे भी जो है उसका भी विकास करती है. ठीक है, और उसके अंदर जो विद्यार्थी है उनके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, जो उनका टैलेंट है और जो उनकी अवेयरनेस है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी डेवलप करती है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक एजुकेशन ओपन्स अप डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग. और जो सौंदर्य शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में हेल्प करती है. किस तरह से? हम कह सकते हैं कि द चैलेंज ऑफ टेकिंग रिस्क, ठीक है, इसके माध्यम से जो भी मीन्स की उस आर्ट वर्क से रिलेटेड जो भी पर्सन देख रहा है, ठीक है, उसके बारे में फील कर रहा है, उसके बारे में अगर उसे कमी दिखाई दे रही है तो उसके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है, अगर उसकी प्रेस कर रहा है तो उसके बारे में फ्रीली होके बोल सकता है, ठीक है, अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकता है. मीन्स की एक तरह का जो है चैलेंज ऑफ रिस्क जो है उनके अंदर डेवलप करता है. ठीक है, मीन्स कि वो उसकी प्रेस करने के साथ साथ अगर कुछ कमी है तो उसे भी फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और जो है अभी हमने ऊपर पहले भी बात की थी कि सेल्फ स्टीम गेन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस दैट टीच सेल्फ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. मीन्स कि एस्थेटिक एजुकेशन के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो अपनी रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना वो भी सीखते हैं. ठीक है, वो भी आपके लर्निंग से रिलेटेड जो एरिया है उसी के अंदर आएगा. ठीक है, और इसमें जो है विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस लिए? टू कंबाइन माइंड एंड इमोशन. ठीक है, उनके जो है मस्तिष्क और भावनाओं को जो कंबाइन करने का अवसर है उन्हें वो प्राप्त होता है. एंड कॉग्निशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस, उनका संज्ञान और संवेदी अनुभव जो है उसे वो जो है उनकी इंटीग्रेशन प्रॉपरली कर सकते हैं. ठीक है, और किसी भी आर्ट वर्क को समझना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना वो भी लर्निंग एरिया से ही रिलेटेड है. एंड ऑल्सो द पार्टनरशिप ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर शेयरिंग इनसाइट. मीन्स कि इसमें जो है अगर हम स्कूल के पर्पज से बात करें तो जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं, ठीक है, वो भी अपने अंतःक्रिया द्वारा जो अपने विचार हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. ठीक है, आर्ट फॉर्म से रिलेटेड. ओके,
एंड द एक्साइटमेंट ऑफ लर्निंग टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन न्यू वेज। इसमें भी वही आपका सेम है कि किसी भी विद्यार्थी को अपने मीन्स की किसी भी आर्ट वर्क से रिलेटेड जो भी प्रेजेंट किया गया है, जो भी प्रेजेंटेशन है, उसको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, नए दृष्टिकोण से देखकर और उससे कुछ ना कुछ सीखना और उसे अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एस्थेटिक एजुकेशन है वो हमारे सीखने के बहुत से दूसरे एरियाज भी हैं जो से संबंधित है। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, सिंपल मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य का अर्थ, ठीक है, और सौंदर्य शिक्षा का शिक्षा में या फिर कला शिक्षा में महत्व। And I think this topic is clear to you and you can express this topic in your own ways. Okay, thank you. Have a nice day.